हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं थोर हैमर का जो स्पिन इफेक्ट है वो किस तरह से एडोबी आफ्टर इफेक्ट में बना सकते हैं वो मैं ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। काइंड मास्टर का ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैंने दे चुका हूँ, तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा या फिर आप चाहते हैं कि काइंड मास्टर पे किस तरह से इस तरह का इफेक्ट बनाना है वो आप जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लीजिए, वहाँ पर जो है मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है एडोबी आफ्टर इफेक्ट का है। आपके पास अगर एडोबी आफ्टर इफेक्ट है और इस पर आप इस तरह का जो है इफेक्ट अपने वीडियो पे डालना चाहते हैं तो किस तरह से पूरा प्रोसेस रहेगा ये मैं इस वीडियो में समझा रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो में जो भी फुटेज वगैरह लगे, जो भी ग्रीन स्क्रीन वगैरह लगेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उसको जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अब मैं ले चलता हूँ अपने पीसी पे एडोबी आफ्टर इफेक्ट में। दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको अपना वीडियो फुटेज जो है शूट कर लेना है कुछ इस तरह से जो मैंने शूट किया है। इसके बाद एडोबी आफ्टर इफेक्ट में अपनी वीडियो फुटेज को इंपोर्ट कर लीजिए और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है आपकी शूटिंग का उसको जो है आप ट्रिम कर लीजिए। तो दोस्तों, ये मेरा जो है वीडियो फुटेज मैंने ट्रिम कर लिया है और कुछ इस तरह का है। इस पर मुझको जो है थोर का हैमर स्पिन इफेक्ट अप्लाई करना है, तो इसके लिए जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो फुटेज दूंगा जो कि एक थोर का हैमर का रोटेशन वाला वीडियो फुटेज है, उसको आपको इंपोर्ट कर लेना है और अपने वीडियो के ऊपर वाले लेयर पे इंपोर्ट कर लेना है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह का जो है आपको वीडियो फुटेज मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं हैमर स्पिन वाला इफेक्ट है, तो इसको जो है हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले स्केल करना है, इसका सही साइज जो है सेट करना है और पोजीशनिंग करना है ताकि ये जो है हमारे हैंड पे फिट लगे। तो इसको जो है स्केल कर देता हूँ और इसके बाद में इसको जो है हम सही जगह में इसको पोजीशन कर देते हैं। इसके बाद में पोजीशन पे हमको की लॉक कर देना है और हर फ्रेम पे जो है हमको इसको की फ्रेम करते जाना है पूरे वीडियो के लास्ट तक। ये थोड़ा टाइम टेकिंग का काम है, आपको बहुत ही पेशेंस के साथ जो है इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करना है और इसके बाद में कुछ आपको इस तरह का इफेक्ट आपको नज़र आएगा। इसके बाद में आपको इफेक्ट पे जाना है और यहाँ से ब्लर एंड शार्पनेस में जाने के बाद आपको यहाँ से रेडियल ब्लर जो है उसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में दोस्तों हमको रेडियल ब्लर के ऑप्शन में सेंटर का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है और हमें जो है अपने थोर का जो हैमर है उसका एंड पॉइंट जो है वहाँ पर पॉइंट आउट कर देना है। इसके बाद में रेडियस ब्लर के ऑप्शन में जो है आपको अमाउंट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर जो है आपको 90 कर देना है। अब दोस्तों, हमारे हैमर पे जो है एक स्पिन ब्लर का जो है इफेक्ट आ गया है। अब जो है नेक्स्ट स्टेप हमको अप्लाई करना है, हमारा जो थोर हैमर का लेयर है उसको हमको डुप्लीकेट करना है, तो कंट्रोल डी प्रेस करके हम डुप्लीकेट कर देंगे और नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करने के बाद में फिर से जो है काउंट जो है उसको हमको कर देना है 150। तो दोस्तों, हमारा थोर का हैमर स्पिन इफेक्ट जो है वो रेडी हो चुका है। आप चाहें तो अपने हिसाब से कुछ और थोड़ा बहुत जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि नंबर है आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज करके सेट कर सकते हैं। हमारा जो इफेक्ट है वो रेडी हो चुका है, अब जो है हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जो है आप अपने लिए थोर का हैमर स्पिन इफेक्ट जो है अपने लिए बना सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो और उसका ट्यूटोरियल आपको मिलते रहे। आज के वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।